नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय उदयपुर से। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जीवाश्म बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कितने प्रकार के जीवाश्म या फॉसिल्स होते हैं, आज इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो आइए, समय न गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि फॉसिल क्या होता है। तो जहां तक फॉसिल हमारे दिमाग में बात आती है, तो फॉसिल शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द लाता है, हम लोग अक्सर कह देते हैं पुरानी चीजों का बचा हुआ, रिलिक ऑफ द पास्ट। तो रिलिक ऑफ द पास्ट अगर हम कह देते हैं कि पुराने समय का कुछ बचा हुआ जो है उसको हम फॉसिल कह देते हैं, तो हम कितना सही और कितना गलत कहते हैं, ये तो तय सी बात है कि जीवाश्म बनने की या फॉसिल बनने की जो विधियां होंगी उन्हें हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि फॉसिल क्या है। तो हम बात आपसे जो कर रहे थे कि फॉसिल शब्द जो है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, फॉसिल जिसका मतलब होता है कोई चीज को प्राप्त करना लेकिन खोद के, जमीन के अंदर से किसी चीज को अगर हम खोद के प्राप्त करते हैं तो उसे हम जीवाश्म कहा करते हैं। तो कैसे खोद के हम प्राप्त करेंगे? जब हम प्राप्त करेंगे तो जो भी जीव था कल हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, वह तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था और वो धीरे धीरे जब भी अपने आप की संरचनाओं को, अपने रसायन को अकार्बनिक अर्थात इनऑर्गेनिक, सॉल्ट, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट आदि चीजों में परिवर्तित करता चला गया, तो उसी को हम कहते हैं फॉसिलाइजेशन या फॉसिल। क्योंकि आप अपने जीवित होने का अगर प्रमाण देते हैं तो आप में बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आदि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम अपने बारे में बात करें, हमारी जो हेयर है वो प्रोटीन है, हमारे जो मसल्स हैं वो मायोग्लोबिन्स हैं, हमारी जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन है। तो ये तो क्या है? कार्बनिक पदार्थ। प्लांट्स में भी उसी तरह से क्लोरोफिल है, लिग्निन है, स्टार्च है, तो ये सारी कार्बनिक पदार्थ। काल के चलते चलते समय के दरमियान अगर किसी तरह से इनऑर्गेनिक चीजों में परिवर्तित हो जाए तो अब वो जीवित न बल्कि एक मृत और क्रिस्टल के फॉर्म में, एक रवा के फॉर्म में, एक चट्टान के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जब उसको हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, क्योंकि इतने सालों में जो अर्थ पर जो क्रस्ट बनते चले गए, जो लेयर बनते चले गए, जिसके कारण वो जमीन में दबते चले गए, इसीलिए शब्द बनाया गया फॉसिल, मतलब किसी चीज को हम खोद के जमीन से जब निकालते हैं तो वह कहलाता है फॉसिल और ये क्रिया कहलाती है फॉसिलाइजेशन। तो फॉसिल क्या होंगे? ये प्रिजर्व्ड रिमेन्स होंगे, जो कल थे और आज नहीं है, वो संचित पुरानी चीजों को याद दिलाने वाले, उनकी इम्प्रेशन हो सकती है, उनकी ट्रेस या झलक हो सकती है, या कोई भी एक समय जो जीवित चीज था, जो कल के जियोलॉजिकल एज में जीवित था, आज वो नहीं है, तो इसे हम फॉसिल कहते हैं। तो एक चीज और दिमाग में आपकी बात आनी चाहिए, जो हार्ड चीजें हैं उनकी फॉसिल बनना ज्यादा सरल है, जो सॉफ्ट या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के बने हैं, इसीलिए प्रायः हड्डियां, सेल्स, एक्सोस्केलेटन, ये सब जो हार्ड स्ट्रक्चर है, ये सब स्टोन के इम्प्रिंट में एनिमल्स और माइक्रोब्स के रूप में कुछ ऑब्जेक्ट हैं, जो कि आज भी अंबर के रूप में, हेयर के रूप में, पेट्रीफाइड वुड के रूप में, तेल के रूप में, कोयले के रूप में और कई डीएनए के रेमिनेंट्स में भी पाए गए हैं। जिसे भी डायनासोर्स वगैरह की बात आ रही थी कि उनके डीएनए पाए गए हैं, जिसे हम और भी आगे फाइलोजेनेटिक रिलेशन जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटलिटी ऑफ फॉसिल को हम कहें तो वो फॉसिल का रिकॉर्ड कहलाएगा। कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे पौधों के सारे भाग, जैसे मान लीजिए रूट, तना, पत्तियां, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड, सभी हैं, सभी एट ए टाइम आपको एक ही जगह फॉसिल में मिल जाए। ऐसा भी संभव है कि कुछ आज यहाँ मिला तो कल कुछ पार्ट वहां मिले और परसों कुछ और मिले। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये
फॉर्म जेनरा के नाम से जाने जाएंगे जो अलग अलग पाए जा रहे हैं, और जब इनको हम कलेक्ट करते हैं तो ये पूरे के पूरे फॉर्म रिकॉर्ड या फॉसिल रिकॉर्ड कहलाएगी, और ये सब अलग अलग फॉर्म जेनरा फॉर्म स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। तो फॉसिल का अध्ययन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इनसे ट्रेस निकाल सकते हैं पुरानी चीजों को, और आने वाले इवोल्यूशन में क्या ट्रेंड जाएगा इसको भी हम लोग जानते हैं। हमारे भारत में बीरबल साहनी जी बड़ा फेमस है, जिनके नाम से आज भी लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो फॉसिल प्लांट्स के बारे में काम कर रही है, और सतत भारत में विभिन्न प्रकार के फॉसिल की खोज की हुई है, और वर्ल्ड में भी हम लोग आज बहुत पायनियर वर्कर हैं फॉसिल्स के रूप में। कुछ जियोलॉजी में भी फॉसिल्स के बारे में लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यह एक तरह से काफी स्कोप वाली चीज है जो कल आपको काफी ज्यादा फैसिनेटिंग जॉब्स वगैरह में भी हेल्प करती है। तो फॉसिल के स्टडी को हम पेलियोन्टोलॉजी कहते हैं, और अगर बॉटनी में हो तो पेलियोबॉटनी, या जूलॉजी में है तो पेलियो जूलॉजी, पेलियोन्टोलॉजी इसके अध्ययन को हम कहते हैं। ये इनकी उम्र है या किस तरह के विधियों से बने हैं ये बड़ा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देते हैं, जिसके कारण हम समझ पाते हैं कि ये क्या है। ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल से जो फॉसिल ज्यादा उम्र के होंगे इससे कम उम्र के नहीं होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल 3.48 बिलियन ईयर एगो पाया गया है, और 4.1 बिलियन ईयर एगो भी फॉसिल पाए गए हैं, जो कि ओल्डेस्ट फॉसिल के नाम से जाने जाते हैं। जो हम 19th सेंचुरी में हम कुछ फॉसिल को ऐसा भी पाए जो कि कुछ चट्टानों के साथ रिकॉग्नाइज किए गए, और जियोलॉजिकल टाइम टेबल में भी उनका स्केल आता है, और वो कई तरह के अन्य फॉसिल के रिलेटिव भी माने जाते हैं। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक जो आई वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आई है, ये साइंटिस्ट को अलाउ करी ताकि वो एब्सोल्यूट एज उस पौधों का प्राप्त कर लें जो कि चट्टानों से या फॉसिल से पाए जाते थे, जिसमें वे बने हुए पाए जाते थे, जो उनके होस्ट थे। होस्ट मतलब जिस भी पत्थर के अंदर वो पाए जा रहे हैं फॉसिल उनके होस्ट होंगे। तो उनकी उम्र को निकालने का ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड आ गया है, जो कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से, हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन वगैरह आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इवोल्यूशन में काफी हेल्प किया लोगों को। अब आता है कि फॉसिल की प्रोसेस या फॉसिलाइजेशन की क्या विधियां होंगी, इसके लिए दो दी गई है थ्योरी, एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी और एक है फिल्टरेशन थ्योरी। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप बाजार गए थे और आपको कोई चीजें पसंद नहीं आई तो आप अगले दिन जाके उसके डिफरेंट टाइप की दूसरी चीजों को लेते हैं, जिसको आप रिप्लेस कहते हैं, प्रतिरूप आप उसका लेके आते हैं दूसरे तरह की चीजों का। तो यहाँ भी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो चीजें आज आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है आपके पास और उसकी एक एक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक की थी, वो रिप्लेस होती चली गई और वहां पे इनऑर्गेनिक चीजें आती चली गई। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हटा के वहां पे इनऑर्गेनिक कैल्शियम मैग्नीशियम के, सिलिका के, सॉल्ट सल्फेट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आते चले गए। तो वो अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हटती चली गई और वहां इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आते चले गए, तो कल ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक फॉर्म में आपको दिखेगा जो एक दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा रिप्लेस किया गया, इसीलिए इसको हम रिप्लेसमेंट थ्योरी के नाम से याद करते हैं। दूसरा है फिल्टरेशन थ्योरी। फिल्टरेशन मतलब फिल्टर कर करके उसको हटाया गया कि तुम हटो भाई, हम तुम्हारी जगह हम आएंगे, हम तुम्हारी जगह हम आएंगे, एक तरह से यह भी रिप्लेसमेंट थ्योरी ही था। तो फॉसिल की जो साइज होती है वह 1 माइक्रोमीटर से लेके, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हम लोग देखते हैं और डायनासोर या बड़े बड़े वृक्ष जो कई मीटर लंबे होते हैं और इनकी वेट भी कई टन की होती है, इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फॉसिल का एक स्टैंडर्ड साइज है, ये बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा भी हो सकता है। तो ये जो फॉसिल नॉर्मली जो प्रिजर्व होता है उसका एक पोर्शन जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म, जिसे हम डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और यूजुअली उसका वही पोर्शन पार्शियली मिनरलाइज हो सकता है लाइफ में, जैसे कई जानवरों के बोन्स और टीथ ही हो पाए और कई काइटेनस और कैलकेरियस इसको स्केलेटन ही हो पाए। प्लांट में जो लिग्निन और सुबेरीन था, प्लांट में जो लिग्निन और सुबेरीन था,
सुवेरिन, ये हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं सुवेराइज सेल्स, लिग्निफाइड सेल्स, तो ये चीजें हमारी फॉसिल में बनने में मदद करी है, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर होना एक थोड़ी प्रायोरिटी दे देता है उनको बनने के लिए। तो कई प्रकार के फॉसिल हैं, जिसमें सबसे पहला फॉसिल हम बात करते हैं पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड फॉसिल हम उस फॉसिल को कहते हैं जिसमें एक एक मिनरल को रिप्लेस करके उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बना दी जाए। जैसे एक मान लीजिए ये तना था, अब इसके अंदर लिग्निन, सुबरीन, अगरम बगरम बहुत सारी रसायन इसमें अंदर भरी पड़ी थी, उन सब को हटा के आपने कैल्सियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट आदि आदि चीज आप डालते गए, तो इसकी ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर है वो धीरे से इनऑर्गेनिक में परिवर्तित हो गई। तो इस फॉसिल को हम कहेंगे पेट्रीफाइड फॉसिल। इस प्रोसेस को पर मिनरलाइजेशन भी कहा करते हैं, क्योंकि मिनरल हटाए जा रहे हैं, और खास करके जब जमीन की जो मिट्टी की जो पानी होती है वो सैचुरेट हो जाती है, और उसमें जब जानवर को हम दबा देते हैं या प्लांट को उसके अंदर दबा देते हैं या बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं, जो भी आप कहना चाहें, तो होगा क्या, ये पानी ग्राउंड वाटर जो था इसके अंदर का, ये पानी धीरे से इवापोरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और यहाँ जो मिनरल थे वही मिनरल रह गए, जिसके कारण वो खाली स्थानों को भर लेते हैं और एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म जो वहां धीरे से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधे की संरचना तो संचित रहती है, इनके अंदर टिश्यूज भी संरक्षित रहते हैं, इसीलिए इनमें हम पौधे की मॉर्फोलॉजी को भी और एनाटॉमी को भी, दोनों को हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पूरी की पूरी प्लांट का ये नोड इंटर नोड सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम हॉट वाटर से ट्रीट करें तो ये पुरानी अवस्था को हो सकता है प्राप्त भी कर ले, और इसको फिर शार्प एज से जो स्लाइस कटर आते हैं फॉसिल के काटने के लिए, उनसे आप काटे तो इनके आंतरिक संरचनाओं को, इनके अंदर के डिफरेंट टिश्यूज को भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक मजेदार बात आपको और बताना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि लिग्निफाइड और जो हार्ड मटेरियल जो भी हो, सुग्रीन है, लिग्निन है, ये सब तो रह जाते हैं, लेकिन जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की बनी हुई जो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल जो होती है, वो कई बार इस फॉसिलाइजेशन की क्रिया में नष्ट हो जाती है। तो कई बार वहां खाली स्थान दिखाई देता है, खाली स्थान इसलिए कि वो नष्ट हो गए। एक चीज और आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि फॉसिल उसी स्थान पे बनेगा जहां पे आपका माइक्रोब्स या ह्यूमस क्रिएट करने वाले माइक्रोब ना हो, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वहां पे है तो पौधे को आराम से डिकम्पोज कर देगा। इसीलिए प्राय फॉसिल होने के लिए मार्सी लैंड का होना, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस का होना, या वहां पे ब्रैकिस वाटर का होना, नमकीन खारे पानी का होना, ये माइक्रोब को नहीं ग्रो करने की बने अवस्थाएं हैं जो उनको फॉसिल बनने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे आपके एक टॉपिक में है सल्फर डाइऑक्साइड एरिया में, किडस्टन एंड रांग ने जो राइनिया को खोजा था वो भी पेट्रीफाइड फॉसिल था, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो स्कॉटलैंड के रैनी चर्टपेट से उन्होंने प्राप्त किया था। तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वहां बैक्टीरिया या फंगस, प्राय फंगस सल्फर के प्रति बड़ा अपना संवेदनशीलता रखते हैं, तो वो वहां पे नहीं पाए गए, तो नहीं पाए गए तो आराम से फॉसिल बन गया। अगर वहां पे माइक्रोब्स पाए जाते तो हो सकता था कि पूरा का पौधा ही डिकम्पोज कर जाता तो आपको वहां पे फॉसिल प्राप्त नहीं होता। ओके, दूसरा है कंप्रेशन फॉसिल। ऐसा मान के चलिए कि कोई पौधा था वो कंप्रेस्ड हो गया, संपीड़ित हो गया। संपीड़ित कहने का मतलब जो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक माने परतदार चट्टान, तो जो परतदार चट्टान होते हैं उनके बीच में अगर कोई पौधा का खंड या कोई जानवर का खंड फंस जाए और वो धीरे से दब जाए, फिजिकल कंप्रेशन हो जाए, तो ये बड़ा कॉमन सी बात है। तो इसमें प्लांट और एनिमल के जो प्रिजर्व्ड है वो कंप्रेशन फॉसिल के नाम से जाने जाते हैं, और प्लांट में बड़ा आराम से होता है और एनिमल में ये फॉसिल उतने आराम से प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी प्राप्ति प्लांट में ज्यादातर होती है कंप्रेशन फॉसिल। जैसे आप जब एमएससी करने जाओगे तो आपको कैलामाइटिस वगैरह पढ़ाई जाएगी, जो कंप्रेशन फॉसिल की बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है।
तो अब ये बताइए, जो चीजें चपट गई हैं, छोटी हो गई हैं, दब गई हैं, कंप्रेस्ड हो गई हैं, तो इनको जब फिर से हम गर्म पानी वगैरह में जब हम इम्बाइब वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी पुरानी अवस्थाओं को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इसीलिए कंप्रेशन फॉसिल में भी हम उनकी आकारकीय संरचना और एनाटॉमी, आंतरिक संरचना और मॉर्फोलॉजी दोनों अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि कंप्रेस हो जाएगा तो उतना बढ़िया नहीं दिखेगा जितना कि पेट्रीफाइड फॉसिल में दिखता है, लेकिन देखा तो जा सकता है। ये देखिए कंप्रेशन फॉसिल है, दो चट्टानों के बीच में था, आपने चट्टान को तोड़ा, जो बॉल्स थे तो उनके अंदर से इस तरह की फॉसिल निकल के चली आई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं ये सब कंप्रेशन फॉसिल है, जो यहाँ पे एरो से यहाँ पे ये पत्तियों का यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ के बारे में बताया जा रहा है, तो ये सब कंप्रेशन फॉसिल के बेहतरीन एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन कई लोग बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इम्प्रेशन माने क्या होता है? कोई छाप छोड़ जाना। जैसे एक बड़ा कॉमन सी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद इंजॉय भी करेंगे आप, कि जब कभी भी मम्मी जी हमारी घर को या आपके घर की या हमारी सिस्टर वगैरह आपकी सिस्टर जब घर की पोछा लगाती है उस समय आप लोग क्या देखते हो? कि उस समय आपको घर में चलने मना किया जाता है। बताइए क्यों? सारा दिन आपके पैरों की जो निशान होते हैं वो जमीन पे बने रहते हैं, जो दिन भर दिखलाते हैं कि आपकी उदंडता यहाँ पे दिख रही है, आपके पैरों के निशान है ना। तो इम्प्रेशन फॉसिल भी अब उसी को कहते हैं। ये वे फॉसिल है जिनमें कि किसी का प्रिंट या इम्प्रेशन, वो प्लांट एनिमल कोई भी हो जो कुछ समय पहले थे, उन्हीं को हम लोग रख देते हैं। तो खास करके मड हो या सिल्ट हो या सैंड हो, कई बार रेतों पे आप चलते हैं तो आपके निशान रह जाते हैं, गीली मिट्टी पे चलते हैं तो निशान रह जाते हैं। तो ये पैरों के निशान, हाथों के निशान कल आने वाले समय पे एक तरह की फॉसिल को बनाते हैं, और वो फॉसिल का हम सिर्फ क्या पढ़ सकते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को हम स्टडी दोनों नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं। क्या चीज? एनाटॉमी। ये एनाटॉमी का स्टडी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि आप चले गए तो आपका पैर का अंदर का एनाटॉमी कहाँ दिखेगा, है ना? तो इम्प्रेशन रह गया ना सिर्फ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये सभी चीजें गायब हो जाती है, और इम्प्रेशन जो बची रह जाती है वही इम्प्रेशन इम्प्रेशन फॉसिल कहलाती है। इसलिए सिर्फ इसमें हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, इसमें हम एनाटॉमी को स्टडी नहीं कर सकते हैं। Am I right? Okay. Then, ये देखिए एक छोटा सा कीट है जिसकी इम्प्रेशन रह गई है। कई पत्तियों की इम्प्रेशन फॉसिल बड़ी बढ़िया बनती है। अब आइए कास्ट। ये कास्ट और एक हम लोग यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, दोनों कास्ट में अंतर यहाँ ई नहीं है। कई बार आप जाति मत बना दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। CST कास्ट क्या है? जैसे कभी आपने कुम्हार को देखा है क्या? कुम्हार जब गीली मिट्टी को सान के एक पर्टिकुलर ढांचे पर डालता है और अपने हाथ से दबाता है और उसमें कई तरह के गुड्डा गुड्डी देवी देवताओं के भी संरचनाएं होती हैं, तो उनकी नाक कान मुंह आदि का इम्प्रेशन छप जाता है, और फिर उसको निकाल के सुखा के पेंट करके मार्केट में वो बेचता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कास्ट फॉसिल। इसमें हुआ क्या कि जो फॉसिल है उसमें एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनकी मृत्यु हो गई, जो डिसीज्ड हो गए हैं, और उनकी फ्लेश डीके कर गई, उनकी जो फ्लेश थी, जो उनकी मांस जो थी वो सॉफ्ट टिश्यूज जो थे वो डीके कर गए, और उनके बोन भी डिटेरियोरेट कर गए ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। मतलब अब वो पौधा या प्लांट या एनिमल जो था पूरी तरह से नष्ट हो गया, नष्ट कर गया, और वो गीली मिट्टी के अंदर था। अब आप सोचिए, एक मिट्टी थी उसके अंदर कोई प्लांट एनिमल चला गया और धीरे धीरे ये प्लांट एनिमल यहाँ से नष्ट हो गया। अब वहां क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई मिनरल अगर इंटर करते चले जाए, जैसे मान लीजिए ये जगह था और इसके अंदर प्लांट एनिमल कुछ भी थे वो नष्ट हो गए, तो धीरे से जब इसमें मिनरल घुसना प्रारंभ करेंगे वो मिनरल क्या हो सकते हैं? प्राय कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सिलिकेट, ऐसी चीजें रहेंगी। जब आती चली जाएंगी तो बाहरी संरचना कैसी थी? वैसी थी जैसे वो प्लांट और एनिमल जो इनके अंदर थे और नष्ट हो गए।
और इनके अंदर अब उन्हीं के जैसा ये ढल जाएगा, इसीलिए इसको ढलवा या हम लोग मोल्ड फॉसिल कहा करते हैं। इसमें वाह आकृति जो है मॉर्फोलॉजी तो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म या प्लांट की आ जाएगी, लेकिन आप इनकी आंतरिक संरचनाओं को यहाँ कभी भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ आप मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कास्ट फॉसिल। ये देखिए ये दो चट्टान थे आपस में जुड़े हुए थे और इसके अंदर ये रह गया है इनका, है ना, और ये धीरे धीरे यही पे मिनरल रह गया और मिनरल ने पत्तियों के डिजाइन जैसी संरचनाएं बनाई। लेकिन आप इनका सेक्शन जब कट करेंगे इसके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगी। आप कहेंगे सर ये तो इम्प्रेशन फॉसिल की तरह था। नहीं, इम्प्रेशन में सिर्फ इम्प्रेशन रहा था और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गया, उसके जगह मिनरल आके जमा हो रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। अब आइए कुछ छोटे छोटे फॉसिल जैसे रेजिन फॉसिल, ये एक्चुअली पौधे से निकले हुए रेजिन है जो सैप नहीं है, खास करके कुछ ट्री जैसे नीडल प्लांट जो होते हैं आप पहचान ही रहे हो, पाइनस के यहाँ कोन वगैरह को दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हम विभिन्न प्रकार के रेजिन को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अंबर जो है वो ट्री रेजिन होता है और उसको हम लोग अप्रिसिएट करते हैं उनके कलर और नेचुरल ब्यूटी के कारण। नियोलिथिक टाइम जियोलॉजिकल टाइम टेबल में आपने पढ़ा है तो ये बड़ा ब्राइट कलर के दिखते हैं अंबर। स्यूडो फॉसिल, नाम से ही लग रहा झूठा जीवाश्म, झूठा कब कहेंगे, जो सच्चा नहीं होता उसी को झूठा बोलते हैं। तो ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है जो मार्किंग करेंगे, इम्प्रेशन करेंगे, जिसको कि हम कई बार भूल से फॉसिल समझ बैठते हैं, लेकिन वहां पे पुराने ऑर्गेनिज्म का कोई नामो निशा नहीं था, इसलिए ये स्यूडो फॉसिल हम लोग कई बार मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, है ना, हमको अननेसेसरी ये तरह से कहेंगे कि हम फॉसिल है लेकिन है नहीं वो, तो कई बार उनमें मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं और वो मिमिक फॉर्म लाइफ फॉर्म के बनाने लगते हैं जो कि हाईली कोई भी डिटेल ऑर्गेनिज्म की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअली फॉसिल होता नहीं है। जैसे कई बार मैग्नीज ऑक्साइड के जो क्रिस्टल हैं ये आके एक ट्री लाइक या डेंड्राइट पैटर्न देने लगते हैं रॉक के फ्रैक्चर में, तो हम उसको फॉसिल समझ बैठते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, स्यूडो फॉसिल है, क्योंकि वहां प्लांट था ही नहीं, न इम्प्रेशन छोड़ा, न पेट्रिफिकेशन छोड़ा, न कंप्रेशन छोड़ा, लेकिन इस तरह से अपने को फॉसिल की तरह संरचना सिर्फ वहां पे गलत बन जाती है जो कि स्यूडो फॉसिल कहलाती है। ये जैसे ये चट्टानों के बीच में देखिए, देखने से लग रहा कोई पौधा वगैरह रह गया है, सिलेजिनेला लाइकोपोडियम टाइप, लेकिन ये है नहीं। कार्बन फिल्म, हम सब जानते हैं कि सभी जैव पदार्थ कार्बन के बने होते हैं, तो कार्बन फिल्म को हम लोग कार्बोनेशियस फिल्म भी कहते हैं, ये भी एक प्रकार का फॉसिल है जो हीट या प्रेशर के कारण जमीन में दब जाता है, और ये स्ट्रीजेस जो है मोस्ट एलिमेंट्स के वो फिल्म बना के रह जाती है या स्मेयर के फॉर्म में रहती है या फिर कार्बन के फॉर्म में रह जाती है आउटलाइन के लिए, इसलिए हम इसको कार्बन फिल्म बोलते हैं, इससे सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी याद कर सकते हैं। ये जैसे है। अब आइए झलक, ट्रेस या प्रिजर्व फॉसिल, जो फॉसिल के हल्की झलक दे या बचे हुए जो अवशेष रह गए उन्हीं को हम रिजर्व या प्रिजर्व फॉसिल बोलते हैं। तो ट्रेस फॉसिल को इकोनो फॉसिल भी कहते हैं, ये जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये लिविंग सेल्स अब उसमें नहीं है, जस्ट एक झलक देते हैं कि किसी समय ये बॉडी फॉसिल रहा होगा, फॉसिलाइज्ड हो गया, उसका कोई पार्ट वगैरह कई बार यहाँ पे इस तरह से देखे जा सकते हैं जो मिनरल के रूप में रहते हैं। तो ये जैसे आप स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, किसी कलर के दोनों के डिफरेंसेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग फॉसिल पे बहुत एक हेल्दी डिस्कशन की है, जितने प्रकार के फॉसिल, और ये सबसे पहला जब हम कोई भी फॉसिल हाथ में लेते हैं तो राजमहल हिल और हमारा जो गोंडवाना फ्लोरा है, गोंडवाना फ्लोरा एक्चुअली फॉसिल के लिए काफी रिच माना गया है, जिसे लोग बोलते हैं हजारों लाखों साल पहले, ये जबलपुर भारत में, आप अगर जबलपुर के नक्शे पे आए और थोड़ा सा पीछे की तरफ हटेंगे तो मंडला होते हुए आप बिलासपुर आ जाएंगे, और बिलासपुर से फिर आप आगे बढ़िए उड़ीसा की तरफ तो आप वहाँ झारसुगुड़ा वगैरह होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप रांची
गिरिडीह, कोडरमा, झरिया, बोकारो होते हुए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप बंगाल के राजमहल वगैरह हिल पे पहुंच जाएंगे। ये पूरा का पूरा किसी समय जबरदस्त फॉसिल्स का लैंड था। अब गोंड रानी जो गोंडवाना थी तो उनके नाम की प्रतिष्ठा में जंगलों के कारण इनका नाम रखा गया इंडियन गोंडवाना फ्लोरा। और आज भी राजमहल की हिल्स में अनगिनत फॉसिल पाई गई हैं। और वहां पे पहाड़ पे जाने के बाद अगर आप 10 या 50 अगर चट्टानों को लेके अगर आप तोड़ते हैं तो आपको किसी न किसी के अंदर एक फॉसिल आपको अवश्य दिखाई देता है। अभी आप भागलपुर के आगे जो साहेबगंज है उसके आगे पूरी राजमहल की हिल्स है, हम लोग खुद गए हैं और वहां से कलेक्ट किए हैं, तो ये फॉसिल अपने आप में बड़ा अच्छा माना जाता है। और फॉसिल के बारे में हमने आपसे पहले ही बताया कि लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी है जहाँ हम जीवाश्म पौधों का अध्ययन करते हैं। कभी मौका मिले तो एक बार जरूर जाइएगा। बीरबल साहनी जी ने पेंटो जाइलोन और बहुत सारे फॉसिल भारत में खोजे हैं, इसलिए उनकी नाम की प्रतिष्ठा में एक ऐसा साइंटिस्ट जो फॉसिल्स पर अपनी जिंदगी गुजार दिया था, बीरबल साहनी बड़ा फेमस साइंटिस्ट है। और एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। मैं समझता हूँ हमें विदा लेना चाहिए, फिर अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार, थैंक यू।